नमस्कार दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट में आज हम पढ़ेंगे राइट्स एंड बोनस इश्यूज। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑफरिंग्स। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा ऑफर फॉर सेल। राइट्स एंड बोनस इश्यूज। सिक्योरिटीज आर इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एज ऑन ए स्पेसिफिक कट ऑफ डेट, इनेबलिंग देम टू बाय मोर सिक्योरिटीज एट ए स्पेसिफिक प्राइस और विदाउट एनी कंसिडरेशन। बोथ राइट्स एंड बोनस इश्यूज आर ऑफर्ड इन ए पर्टिकुलर रेशियो टू द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाई इन्वेस्टर्स एज ऑन द रिकॉर्ड डेट। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट राइट्स आर लाइक ऑप्शंस एंड इन्वेस्टर्स मे और मे नॉट चूज टू एक्सरसाइज देयर राइट्स। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ बोनस, एडिशनल शेयर्स आर कन्फर्ड ऑन टू द एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम दो कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है राइट्स इश्यू और दूसरा कॉन्सेप्ट है बोनस इश्यू। अब इन दोनों में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट पे जो ऑलरेडी कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको ये राइट दिया जाता है कि वो चाहे तो कंपनी के और शेयर बाय कर सकते हैं इन केस ऑफ राइट्स इश्यू। और अगर हम बात करें बोनस इश्यू की तो उसके अंदर क्या होता है कि जो कंपनी के ऑलरेडी जो शेयर होल्डर हैं उनको कंपनी अपनी तरफ से बोनस के तौर पे कुछ शेयर देती है और उनसे कुछ भी नहीं लेती, जैसे यहाँ पे लिखा है विदाउट एनी कंसिडरेशन इन केस ऑफ बोनस। और दोनों के दोनों जो इश्यूज हैं वो एक रेशियो में ऑफर किए जाते हैं, यानी कि एक नंबर ऑफ जो सिक्योरिटीज़ हैं वही इशू की जाती हैं जो उस कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर होते हैं। और किस डेट पे? रिकॉर्ड डेट पे। तो यहाँ पर ये जो डेट है उसको भी आप लिख लीजिए अपने रजिस्टर में। तो यानी कि रिकॉर्ड डेट पे जिस भी इन्वेस्टर का नाम उस रजिस्टर में लिखा होगा तो उन इन्वेस्टर के पास ये ऑप्शन होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। राइट्स इश्यू में जो कंपनी के ऑलरेडी जो शेयर होल्डर होते हैं उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहें तो कंपनी के और शेयर बाय करें या फिर ना करें। लेकिन अगर हम बात करें बोनस इश्यू की तो वहाँ पर जो कंपनी का ऑलरेडी जो शेयर होल्डर है उसके पास ये राइट नहीं होता, उसको शेयर मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो बोनस इशू है अब वो होता कैसे है, अब हम उसको समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है और आप उसके शेयर होल्डर हैं और आपके पास उस कंपनी के 1,00,000 शेयर हैं और एक शेयर का प्राइस है 100 रुपये। अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने 1:2 की रेशियो में आपको बोनस इशू करा, यानी बोनस शेयर आपको दिए। तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास जो 1,00,000 शेयर हैं वो बन जाएंगे 2,00,000, लेकिन जहां पहले उस शेयर का प्राइस 100 रुपये था अब हो जाएगा 50 रुपये। तो अगर आप देखें टोटल अमाउंट तो आपका उतना ही रहा, बस नंबर ऑफ शेयर जो थे वो बढ़ गए। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑफरिंग्स। वेल रेजिंग कैपिटल, इश्यूअर कैन ईदर इश्यू द सिक्योरिटीज इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड रेज कैपिटल और अप्रोच इन्वेस्टर्स आउटसाइड द कंट्री। इफ कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट इट इज कॉल्ड ऑनशोर ऑफरिंग एंड इफ कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम इन्वेस्टर्स आउटसाइड द कंट्री इट इज टर्म्ड एज ऑफशोर ऑफरिंग। सो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो इश्यूअर है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं कैपिटल रेज करने के। तो यहाँ पे जो इश्यूअर है वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मान लेते हैं एक कंपनी है, तो एक कंपनी चाहती है मनी रेज करना, ठीक है। तो अब उसके पास दो ऑप्शन है, वो चाहे तो डोमेस्टिक मार्केट से कैपिटल उठा सकती है या फिर वो चाहे तो आउटसाइड द कंट्री वो वहाँ से भी पैसा रेज कर सकती है। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी या फिर कोई इश्यूअर डोमेस्टिक मार्केट से मनी रेज करता है तो उसे हम बोलते हैं ऑनशोर ऑफरिंग। और अगर मान लीजिए कोई इश्यूअर या फिर कोई एंटिटी बाहर से यानी आउटसाइड द कंट्री अगर वो मनी रेज करती है तो उसे हम बोलेंगे ऑफशोर ऑफरिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑफर फॉर सेल। An offer for sale is a form of share sale where the shares offered in an IPO or FPO are not fresh shares issued by the company but an offer by existing shareholders
टू सेल शेयर्स दैट हैव ऑलरेडी बीन अलॉटेड टू दैम। एन ओ एफ एस डज नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी सिंस देर इज नो फ्रेश इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। द प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑफर गोज टू द ऑफरर्स हु मे बी ए प्रमोटर और अदर लार्ज इन्वेस्टर। द disinvestment program of the government of India, where the government offers shares held by it in the public sector undertakings, is an example of OFS. It may be stated that OFS is a secondary market transaction done through the primary market route. So, अब हम ये जानते हैं कि offer for sale में actual में होता क्या है। देखिए, जब भी कोई company IPO या फिर एफपीओ लेकर आती है तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी अपने फ्रेश शेयर इशू करके मार्केट से मनी रेज करती है, ठीक है। लेकिन ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि कंपनी के जो ऑलरेडी प्रमोटर हैं या फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपना जो शेयर है वो बेचते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपना शेयर बेचते हैं और यहाँ पर कोई फ्रेश शेयर मार्केट में नहीं आता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ऑफर फॉर सेल का ये जो ऑप्शन है वो क्यों लाया गया। देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है तो उस केस में क्या होता है कि जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट है उसकी एटलीस्ट 25% शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास होनी चाहिए। यानी मान लीजिए एक कंपनी है जो कि शेयर मार्केट पे लिस्ट है, ठीक है, अब उसके 100 में से 24% जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है और जो 76% जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है या फिर उस कंपनी में जो बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनके पास है। तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में जो प्रमोटर्स हैं उन्हें अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि 25% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है तो। और कई बार गवर्नमेंट भी इस चीज का यूज करती है। और कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो भी पब्लिक सेक्टर कंपनी से अपना जो स्टेक है वो कम करना चाहती हैं तो वो भी ऑफर फॉर सेल के थ्रू डिस इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम लेकर आती हैं और उस पब्लिक सेक्टर कंपनी से अपना जो स्टेक है वो कम कर देती हैं।